दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक परिवार एक नौकरी के बारे में एक परिवार एक नौकरी में इसका मैं वीडियो एक पहले बनाया हुआ हूं अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से उस वीडियो को देख आप समझ पाएंगे कि एक परिवार एक नौकरी क्या है और आपको कैसे इसमें लाभ मिलने वाला है एक परिवार एक नौकरी इसके तहत आपको एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है उस गाइडलाइन के तहत आपको आपके परिवार में एक सदस्य का आईडी कार्ड बनेगा परिवार आईडी कार्ड बनेगा और उसके बाद आपको लाभ मिलेगा तो आपको कैसे लाभ मिलेगा और आपका कैसे परिवार आईडी कार्ड बनेगा मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि तो तो आपको ट्विटर पर, पर बताया गया है कि वहाँ पर कैसे परिवार कार्ड बनेगा और वहाँ पर कैसे आपको लाभ मिलने वाला है टोटल ट्विटर पर बताया गया है तो मैं आपको ट्वीट पर चलता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ट्विटर पर आ गया हूँ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता आप यहाँ देख सकते हैं परिवार कल्याण योजना से हर परिवार को मिलेगा रोज़गार जो परिवार कल्याण योजना जो जारी किया गया है उससे हर परिवार में एक नौकरी मिलेगी उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए परिवार आईडी डी जरूरी जो सरकारी योजना है उसके लिए परिवार आईडी डी यहाँ पर जरूरी है तो परिवार आईडी डी यहाँ पर बनवाने के लिए जारी किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पर ट्वीट पर एक बार क्लिक करता हूँ आप यहाँ पर पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर परिवार कल्याण योजना हर परिवार को मिलेगा रोजगार इसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने प्रदेश के सभी परिवारों को रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने लोक कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता एवं जन सामान्य के लिए संचालित योजना का दायरा बढ़ाने के लिए परिवार कल्याण योजना संचालित करने के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जन सामान्य के लिए ज़रूरी सुविधा का सरलीकरण करने के लिए उद्देश्य से परिवार कल्याण योजना शुरू की जा रही है इसके तहत परिवार आईडी बनाने का निर्णय लिया गया है इसके माध्यम से एक डाटाबेस के आधार पर रोजगार के वंचित परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूँ इसका मतलब यह है कि आपको अब आप पर एक परिवार आईडी बनाई जाएगी और परिवार आईडी के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा चयन करने के बाद आपको वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा प्रदेश में लगभग तीन दशमलव छः करोड़ परिवार एवं पंद्रह करोड़ व्यक्ति राज्य राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं इन परिवारों को राशन कार्ड संख्या ही परिवार आई होगी ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं उन्हें परिवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आईडी उपलब्ध कराई जाएगी भविष्य में सभी योजनाओं के लिए भी परिवार आईडी अनिवार्य होगी लाभकारी होगी लाभकारी योजनाओं को शत प्रतिशत आधार से जोड़ा जाएगा पंद्रह अगस्त तक आधार बनवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए परिवार आईडी जरूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी योजना का आसानी से लाभ दिलाने के लिए परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन की कयाद तेज हो गई है योजना के तहत प्रत्येक परिवार का आईडी पहचान पत्र बनाई जाएगी भविष्य में सरकार व सुविधा का लाभ लेने और प्रमाण पत्र बनवाने में यह आई जरूरी होगी परिवार के पहचान के डाटा के आधार पर रोजगार से वंचित परिवार को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिक के आधार पर रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन परिवारों के राशन कार्ड बन गए हैं उनकी राशन कार्ड संख्या ही आई होगी जिन परिवारों के राशन कार्ड बन गए हैं उनकी राशन कार्ड ही परिवार की आईडी होगी जो परिवार राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से निशुल्क परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी योजना के लिए सभी विभागों को एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न विभागों का डाटा परिवार ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा इसके विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी योजना लागू होने से जाति निवास सहित अन्य प्रमाण पत्र आसानी से बन सकेंगे आधार का होगा सत्यापन यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड का होगा सत्यापन योजना के लिए केंद्र की अनुमति लेकर लाभार्थियों का आधार कार्ड का सत्यापन कराया जाएगा लाभार्थी परक योजना को शत प्रतिशत आधार से जोड़ा जाएगा लाभार्थियों के आधार न होने की दशा में उनके आधार नंबर प्राप्त करने और संबंधित विभाग की ओर से अभियान चलाकर 15 अगस्त तक आधार कार्ड बनवाया जाएगा आय जाति जन्म मृत्यु और निवास पत्र समेत विवाह पंजीकरण को आधार से जोड़ा जाएगा इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो जो आपका आधार कार्ड है वो आपका अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको आधार कार्ड पंद्रह अगस्त से पहले बनवाया जाएगा और उसमें जाति जन्म मृत्यु और निवास प्रमाण पत्र समेत विवाह पंजीकरण को आधार से जोड़ा जाएगा यहाँ पर हर परिवार का एक परिवार आईडी डी यहाँ पर बनाई जाएगी परिवार आईडी बनने के बाद आपका यहाँ पर लाभ आपको मिलने वाला है तो अगर आप पहले से मैं इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा कि ये परिवार कल्याण योजना एक परिवार एक नौकरी ये क्या है और आपको आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे तो आई होप दोस्तों अगर छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलाइकन प्रेस कर दें क्योंकि ऐसे ही जेनुअन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय